खरीदेंगे वैक्यूम क्लीनर। हिमावरी अच्छा है सो रही है। ये तो टूट गया। शांत हो जाओ। जरा सुनिए दीदी, हमें नया वैक्यूम क्लीनर चाहिए, हमारी मदद कीजिए। अच्छा, क्या आपके पास ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो मेरे कपड़ों के साथ मेल खाए? माफ कीजिएगा। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी चीजें हैं। चलो जल्दी से लो और घर चलो। इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर ठहरो, हमें बजट भी तो देखना होता है। मैडम, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ? हाँ? अगर आप समझ नहीं पा रही कि आपको कौन सी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए तो मैं बताता हूँ। इसे देखिए, ये कैसा रहेगा? ये तो ठीक ठाक ही दिखता है। वैक्यूम क्लीनर पावरफुल होना चाहिए, इसकी बनावट पे मत जाइए। आपको पता है हमारा वैक्यूम क्लीनर किसी भी और कंपनी से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है। क्या कहा, आपकी कंपनी? तो इसका मतलब आप यहाँ के स्टाफ नहीं हैं? जी, मैं एक वैक्यूम क्लीनर कंपनी में काम करता हूँ। मैं अपनी कंपनी के सामान की खूबियां बताता हूँ। हमारी कंपनी का सामान बहुत ही अच्छा होता है। मेरा नाम भोजो है और ये रहा मेरा कार्ड। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। क्या ये 2 गुना ताकतवर है? हमारा वैक्यूम क्लीनर 2 गुनी सफाई करता है औरों के मुकाबले। इसका मतलब मैं दुगनी गंदगी फैला सकता हूँ। अरे वाह, तुम चुप रहो। पर ये तो बहुत महंगा लगता है। अरे नहीं, महंगी नहीं है। अभी तो हमारी कंपनी इस पर डिस्काउंट दे रही है। इस वक्त इसकी कीमत है 55,980 रुपए, बाकी सबसे कम। क्या, जितना सोचा था ये तो उससे भी महंगा है। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, ये और काम भी तो करता है और इसमें स्मेल सेंसर भी लगा हुआ है। ये तो आपके जूते भी साफ कर देगा। मत करो ऐसा। अगर आप 1 महीने किसी सेल पर नहीं जाएंगी तो हम ये ले सकते हैं। तुमने सही कहा। मैं सब सुन रहा हूँ। अगर पैसे की बात करें तो ये वैक्यूम क्लीनर, आपको दूसरी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर नहीं लेना चाहिए। भला क्यों नहीं लेना चाहिए? तुम यहाँ पर क्यों आए? सुनिए मैडम, आप हमारी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर ट्राई करिए। अरे ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम है बोजो। ये एक बहुत ही बेकार कंपनी में काम करता है। क्या कह रहे हो? हमारे घर में सिर्फ मेरी ही कंपनी से सामान जाता है, फिर चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, हेयर ड्रायर या फिर माइक्रोवेव। मतलब ये कि तुम्हें ये कंपनी इतनी पसंद है कि तुमने यहाँ काम करना शुरू कर दिया? जी हाँ। और ये मेरा भाई दूसरी कंपनी में जाकर उनका सामान बेच रहा है, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गए, ये दोनों भाई राइवल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी का सामान बहुत ही खास होता है। सच में? हमारे वैक्यूम क्लीनर्स पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे दिखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बात असल में यह है कि इसे वही सुंदर लगता है जो सस्ता होता है। तो ये देखिए हमारी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर, ये जितना छोटा है उतना ही पावरफुल है। इसकी सेल भी बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, इस सुंदर वैक्यूम क्लीनर के साथ सफाई करती हुई आप कितनी सुंदर लगेंगी, बिल्कुल एक क्वीन की तरह। क्या क्वीन? बोजो, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। डैडी, क्वीन कैसी होती है? बेटा, अब ये क्वीन की बातें तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? अरे यही तो है क्वीन तुम्हारे सामने। और हमारे वैक्यूम क्लीनर पर डिस्काउंट भी है। तुम अपना मुंह बंद करो। मैडम, अगर आप ये वैक्यूम क्लीनर लेती हैं, तो आप इसे 10 या 20 साल भी इस्तेमाल करें, ये खराब नहीं होगा। तो बात समझिए, इसको खरीदने में आपको फायदा है। सही कह रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो वाला वैक्यूम क्लीनर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल तो है। मैडम, अच्छा ये बताइए, क्या आपके घर में वैक्यूम क्लीनर रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह है? अगर इन्होंने हमारा स्टोर रूम देख लिया तो इनका क्या होगा डैड? सही कहा। घर में इस वैक्यूम क्लीनर को रखना बहुत ही आसान है, इसे कहीं भी रखा जा सकता है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अच्छा दिखने वाला सामान जल्दी खराब हो जाता है, सिंपल दिखने वाला वैक्यूम क्लीनर ही अच्छा होता है। तुम सही कह रहे हो। अब मैं आपको अपने वैक्यूम क्लीनर की ताकत दिखाता हूँ। अरे वाह, इतने सारे पैसे ही मैं कितनी सारी आइसक्रीम खा पाऊंगा। बेटा, ये पैसा आइसक्रीम खाने के लिए नहीं है।
आप देख रहे हैं ये कितनी आसानी से इन सिक्कों को खींच रहा है। और कोई वैक्यूम क्लीनर ऐसा कर ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। इसको निकालते हैं, इसको लगाते हैं और घर की सफाई शुरू करते हैं। अरे मैम, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे यही वाली चाहिए, यही वाली। हाँ, हाँ, जरूर। ये घर को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तुम इतने कमजोर वैक्यूम क्लीनर पर अकड़ मत दिखाओ। इतने सारे पैसे। अरे नहीं नहीं, इन सिक्कों को मत उठाना। अगर वैक्यूम पावर की बात करें तो ये ज्यादा ताकतवर है, ये भारी सिक्के भी उठा सकता है। अब जरा तैयार हो जाइए मेरे वैक्यूम क्लीनर का कमाल देखने के लिए। कल मैं भी ऐसे पानी गिराकर इस वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे शिनचैन, समझे? हमारा वैक्यूम क्लीनर पानी भी सोख लेता है। अरे यहाँ से चले जाओ, तुम जाओ यहाँ से। पर पानी साफ करने के लिए हम वैक्यूम क्लीनर यूज नहीं करते। मैम बताइए, इन दोनों में से कौन जीतेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुकाबला। हाँ तो देर किस बात की, कान खोल कर सुन लो। जिसके पास ये बॉल आ जाएगी मैडम उसी का सामान खरीदेंगी। ठीक है, मैं समझ गया। चलो ठीक है, पर मेरी मंजूरी का क्या? सीक्रेट टेक्निक एक्स्ट्रा वैक्यूम ऑन। देखा इसकी वैक्यूम पावर को? ये तो कुछ भी नहीं है। क्या? अब देखो मेरे वैक्यूम क्लीनर का कमाल। इस वैक्यूम क्लीनर की पावर तो बहुत ज्यादा है। बेटा तुम ठीक तो हो? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, ये हमारी आवाज भी सोख रहा है। नहीं, मैं कहा कुछ कह रहा था। मुझे परेशान मत करो शिनचैन बेटा। ओ नहीं, ये सब आवाजें सुनकर वो उठ गई। मैं बोर हो रहा हूँ, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो शिनचैन? मैं इन लोगों को और नहीं देखना चाहता। हे भाई, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। कर तो तुम भी अच्छा रहे हो। सुनो, मुझे ये वाला वैक्यूम क्लीनर चाहिए। हाँ, मेरी बच्ची आवाज की वजह से उठ जाती है और फिर आगे काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं यही वैक्यूम क्लीनर लूँगी। इन्होंने असल में दाम को देखकर खरीदने का फैसला किया। जो भी है, तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे मासको। हाँ? अरे यहाँ से चली जाओ। इसको कभी कंपनी की कोई चिंता नहीं रहती, ये तो बस कस्टमर के हिसाब से सामान बता देती है। फिक्र मत कीजिए, जैसा भी है ठीक है। मुझे खुशी है कि आपको हमारी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर पसंद आया। अरे हमने फैसला कर लिया है, हमें आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। जी शुक्रिया।